गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे हो बेटा सभी अच्छे से हो अपना काम टाइम पर कर रहे हो सभी मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग अपना काम जो काम है वो समय पर कर रहे होंगे टाइम टू टाइम कर रहे होंगे तो हमारा जो टॉपिक था जो हम वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब अगला जो टॉपिक आज का है हमारा वो है अव्यय पदानी अव्य सभी बच्चों को पता है अवय जो अविकारी होते हैं जो लिंग संज्ञा स्वर्णाम आदि में जिनका रूप चेंज नहीं होता एज इट इज रहते हैं उनको हम बोलते हैं अविकारी या अव्य तो देखो बेटा अव्य वैसे आप पढ़ चुके हो ये लेकिन फिर से एक बार रिवाइज़ हो रहा है देखो अधूना एक तरफ आपके असाइनमेंट में देखो एक तरफ अव्यय वर्ड दिए हुए हैं दूसरी तरफ उनका हिंदी अर्थ है तो देखो अदा और अधूना ये दोनों एक ही वर्ड है यानी इन दोनों का अर्थ एक ही है अलग अलग वैसे वर्ड अलग है लेकिन अर्थ दोनों का एक है अधूना और अदा दोनों का मतलब क्या होता है अब अत्र यहाँ कुत्र कहाँ तत्र वहाँ यत्र जहाँ सर्वत्र सब जगह हैं सर्वदा और सदा इन दोनों का मतलब होता है हमेशा तदा तब यदा जब कदा कब किमर्थम क्यों सहनई सहनई धीरे धीरे स्व आने वाला कल यानी कल यानी जो आएगा कल है बीता हुआ कल जो बीत चुका है नूनम निश्चित रूप से ये आपके फिफ्टीन अव्य हैं ये आपको अच्छे से फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा नहीं अगले टॉपिक में यानी अगले असाइनमेंट में इनको हम और आगे करेंगे ओके बेटा घर पर रहें सुरक्षित रहें थैंक यू